तो हेलो गाइज, हम फिर से आज दोबारा गॉड ऑफ वॉर चेस ऑफ ओलंपस खेल रहे हैं। कल तक हमने यहाँ तक पहुँच गए थे और ये जो लाल चेस्ट है इसमें हमें रेड ऑर्ब्स मिलते हैं जो बाद में पावर अप करने के काम आते हैं। चलो तो आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस दरवाजे को तोड़ के देखते हैं। नहीं, ये नहीं टूटा, शायद हमें पीछा चलना है। तो चले बे टकलू इंसान, रेड चड्डी दबुल रेड बुल रेड चीप का जूता सा है। इसे वहाँ पर पहुँचाना है, इसकी मदद से हम दरवाजे को तोड़ेंगे। अब इसे पकड़ बे, इसकी भाई कच्छा उड़ता ही रहता है इसका। है क्या धोती सी यार, सलवार से पहन रखी इसने। चलो ये तो यहाँ पर पहुँच गया, अब इसकी मदद से हमें इसको तोड़ना है। लगा बे पूरी दम लगा लगा, हाँ हाँ अबे और लगा, ये और लगा तुम, यो खींच खींच जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। चलो बैठ, दरवाजा तो खुल गया, आगे चलते हैं इसमें। ये पर्सन आर्मी की फिर से लुक्खा फैन लुक्खा सिपाही फिर से आ गए। इन एक दो की लगता है आते बाहर निकालने पड़ेगी। ये आते फट गई, इसका तो गुर्दा बाहर निकालूंगा। ये एक्शन बड़े लगता है, जो ग्रेपल वाला मूव होते हैं ना, इनके एक्शन बढ़िया। ये तीरंदाज कहाँ से आ गई, ये आर्चर, ये पर्सियन आर्मी का लुक्खा आर्चर हम पे टारगेट करते हुए। लेकिन हम चल बे टकलू स्विमिंग करते हुए चलते हैं इनके पास और इनको फेंकते हैं नाले में। ये गुर्दा गुर्दा फाड़, आंखें आंखें बाहर निकाल लेता है ये टकलू इंसान है। इसकी सटकी हुई है, किसी को नहीं छोड़ता, जब मार नहीं पाता मार इसकी तो। चलो तो सारे मर गए, अब इसे हैंडल को घुमाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। अबे पकड़ना, कहाँ जा रहा है, ठीक ये क्या क्या बताते हैं, खींचे भी इसको जल्दी से, दम लगा। ये कहाँ से आ गई संता बनता, अबे लुक्खा पकड़ एक दो, हाँ हैंडल हैंडल पकड़ जल्दी से और इसको घुमा, नहीं तो ये दोबारा आ जाएंगे। जोर लगा के हैया, दरवाज़ा खोल, यहाँ से हमें बहुत जल्दी जाना है, नहीं तो ये दरवाज़ा फिर से बंद हो जाएगा और फिर से हमें इसे खोलना होगा। ये हम पहुंच गए एकदम, और यहाँ पे पर्सियन आर्मी के आर्चर हम पे गोलाबारी करते हुए। अबे बहन के टको, हमसे पंगा, अपने बाप से पंगा लोगे, ये छुरी छुरी पेट में छुरी घुसा। जमीन में देख मारा इसको तो। तू कहाँ पे भाग रहा है, हमसे दूर भागेगा। चलो इधर जाके देखते हैं इससे, यहाँ ये तो टूट रहा है, इसको तोड़ के देखते हैं। तोड़ दे जल्दी से, इसमें मिले हम रेड्स और रेड ऑर्ब्स, इनसे हम बाद में पावर अप करेंगे गाइज, और इस टकलू का और भी खतरनाक डेंजरस एकदम बना देंगे। आगे का रास्ता इसमें है, ये था। चल मैं खोल जल्दी से इसे, ब्लॉक करके रखते हैं रास्ते को भी है। पर चल में टकलू, प्रेस एक्स टू जंप ऑफ द लेडर, और ये वाली जो चेस्ट है ना इसको लेना है हमें, लेकिन ये यहाँ से तो जा नहीं रहा, ऊपर से आएंगे इस दोबारा कूद के, एकदम पहुँच जाएगा यहाँ पे ना। कूद में टकलू, हाँ आ गया खोली से। और जो इस वाली चेस्ट में ये गोरगोन आइज है, इससे इसकी हेल्थ बार पूरी हेल्थ बार और बढ़ जाती है, इसकी जो ऊपर वाली हेल्थ रहती है ना इसकी, वो बढ़ जाती है। जल्दी से चल आगे बढ़, ये डायनासोर फिर से आ गया यहाँ पे। अबे ड्रैगन पूरे किले की तबाही कर रखी इसने, लेकिन हम इसकी ज़रूर बैंड बजाएंगे अगर दोबारा आ गया तो। ये लुखे लुखे से आ रहे हैं यार, इनको मारने में मज़े नहीं आते, लेकिन हाँ ग्रेपल मुँह में बहुत मज़ा आता है इनको ठोकने में। उछाल साउथ फिल्म तरह उछाल इन्हें, ये ख़त्म कहानी, वैज्ञानिक ख़त्म कहानी बाबा। खोल भाई से जल्दी से, दम लगा। तो चल आगे जल्दी से चलते हैं, और यहाँ पे पूरी गोलाबारी भर भर के हो रही है, भर भर के। यहाँ से बहुत संभल के जाना, नहीं तो इसकी तंदूरी चिकन बना देगी, गिरते ही इसका फ्राई हो जाएगा। ये हेल्थ बार और ले लेते हैं थोड़ी, और फिर खोलते हैं इसको, लगा दम। ये शटर खोल, शटर
और यहाँ से हमारी खतरनाक एंट्री के साथ टकलू भाई की एंट्री, बजाओ ताली। और ये लुकस है कि भाई तलवार कितनी बड़ी है इसकी, 10-20 किलो की होगी आराम से। और छुरे भाले लटका रखे पीछे, मुझे लगता है ये इनका लीडर है और इसकी हम ऐसी की तैसी करेंगे। पर्शियन आर्मी का बड़ा आदमी है पर्शियन आर्मी का, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुमने ये स्टे को हमारे बर्बाद कर रहे हो और मैं ओलंपिक की तरफ से भेजा गया हूँ तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कि तुम इस सिटी को छोड़ के जाओ। लेकिन ये मोटी एकल का भैंसा खसा है, कहता है कि मुझको तुझ जैसा एक टपोरी मैसेंजर नहीं रोक सकता। और यहीं पे इसको गुस्सा आ जाता है, फाइट शुरू हो जाती है। चलो दद्दू कसाई चार्ज कर तुम्हारा इस पर हाथ, इसकी तलवार भी देखो कितनी लंबी है, खुद से बड़ी लंबी इसकी तलवार है यार, इतना बड़े खुद भी नहीं है। ये दाब दिया टकलू को एक तलवार, हम मारे चार्ज कर लोक लगा रहे थे गाइज। हम ये जब मारता है क्योंकि वैसे तो हमको कुछ भी नहीं हो रहा है इसके, यार भैंस आए काट के फिर भाई एक ही तलवार देखो दाब दिया तो कोई खून निकाल दे इसके। पिछले ड्रैगन से तो इसकी काफ़ी कम हेल्थ जा रही है। और भाई इसके पास तो मैजिकल पावर भी यार, मतलब ये पर्शियन आर्मी का कुछ बड़ा वो है लीडर वगैरह, मुझे लगता है ऐसा कि जनरल वगैरह कुछ दाब दिया बच गया टकलू, नहीं मुंडी अलग कर दी कसा ये बोटी बोटी कर देगा तुम्हारी, जल्दी से मार दे इसको। इसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से खड़े खड़े हुए खा रहा है मुंडी हाथ पैर काट के फेंक देगा कुत्तों को दाब दिया कसाई ने झाम बना रखी इसकी, एक तलवार में 2 मीटर दूर जा के गिरता है। और ये हमारे मर गया, वो आ गया, जल्दी से दबा पे, नहीं तेरी मुंडी अलग कर देगा इसकी, तलवार में आ गए दाब दिया ये ले। शुरू से मारना पड़ेगा यार इसे अब, चल कोई नहीं ज़्यादा हेल्थ वैसे है गई हमारी भी मार देंगे। दद्दू कसाई जल्दी से मर जावे, ये ले एक तलवार में इसकी 2 मीटर दूर जाके गिरता है। और हमने इसको इतने सारे तलवार मार दी लेकिन इसको कुछ असर ही नहीं होता, ऊपर से चोड़ के और खाता है। अब तो आ गया, अब क्या नहीं छोड़ूंगा इसे, अब तो भाई कसाई तेरी मुंडी अलग कर दूंगा मैं तेरी तलवार से। एक तलवार गई इसकी, हाथ पैर काट दे बच दो इससे भी, ये छाते में घुसा दे पेट में घुसा दे फेंक कमा रहे हैं एकदम, अपने सोने को हमको दिखा रहा है। प्लीज़ अब कर रहा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मत मारो, रिश्वत दे रहा मुझे, मुझे छोड़ दो और हमारा सारा रिचेज किंगडम ले लो है। हम तुम्हारी रिश्वत नहीं लेंगे, हम तुम्हारी जान लेंगे। ये भाई भाई इसकी तो नाक नक्शा बिगाड़ दे यार, नाक नक्शा खत्म इसका तो, इतना बुरा मारता यार। यू हैव एक्वायर्ड द एफरीत, एफरीत क्या है देखिए चीज थी गाइस, होल्ड टू एक्टिवेट डेमन फ्यूरी। ओ भाई इसकी पावर छिना ली इसने, वो वाली जिसको मैं कह रहा था, ये मार है ये क्या जिंद से बाहर निकलता है इसमें से गाइस, मजा आ रहा है इसे मारने से। तो ये तो काफ़ी तगड़ी मैजिकल पावर मिल गई है, इससे चलाने में तो अलग ही मजा आ रहा है। ये जिंदा जला देता है भाई, चीख भी ऐसे निकलती जैसे हेल में पहुंच गए हो। इनको जिंदा जलाने के बाद सब ख़त्म, दरवाज़ा खुल गया और आगे हम अपने गेम को सेव कर लेते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, यानी कि कल फिर से। ठीक है गाइस।